This is actually tribute to our heroes. These are all real heroes, not real heroes. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस जांगड़ा। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम लेह लद्दाख आ चुके हैं। सो अभी हम नेक्स्ट डे बाहर जा रहे हैं अभी लोकल साइट सीन के लिए। सो लास्ट तक वीडियो में देखते रहिएगा, हम आपको एक एक छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ें आपको हम शेयर करेंगे कहाँ पर आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में ताकि आप जब कभी नेक्स्ट टाइम आए तो आपको कोई किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। चलें, चलो। ओके, सो गाइस चलते हैं। बाहर गाड़ी हमारी आ चुकी है। सो गाइस, रूम से हम निकल चुके हैं, अभी जाते हैं। बाहर गाड़ी हमारी आ चुकी है, बाहर वेट कर रहे हैं वो। लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो हमने ही मिस कर दी। हमने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी लेकिन हमने मिस कर दी, लेकिन हम आपको बताएंगे, आप मिस मत करना। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, एक तो अपना RT-PCR रिपोर्ट, अगर आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, अगर आपने वैक्सीनेशन करवा लिया है तो आपका सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके लेके आइएगा फ़ोन पे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल सिम कार्ड नहीं चलेंगे। अगर आपका थकावट हो रही, भाई सांस चढ़ रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है, हाई लैटिट्यूड पे है ना, इसलिए। तो क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, क्या बता रहा था यार मैं, भाई भूलने ही लग गया मैं यहाँ पे आके। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले आना, सिम कार्ड आपका नॉर्मल वाला नहीं चलेगा। आपका अगर आपका पोस्टपेड सिम कार्ड है वो चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल वाला सिम कार्ड आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, अभी बैठ के गाड़ी में फिर बात करेंगे। सो गाइस, ये रही हमारी गाड़ी, बैठ जाते हैं। भाई भूख भी लगी है। सो गाइस, गाड़ी में हम बैठ चुके हैं अब फाइनली यहाँ से। अभी पहले कौन सी लोकेशन आएगी भैया? हॉल ऑफ फेम। सो पहली जो लोकेशन आएगी वो हॉल ऑफ फेम आएगी, आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। हाँ, तब तक मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। बाहर का व्यू बेहतरीन आ रहा है, बहुत एक नंबर का है यार, इतना ऑसम व्यू है बाहर का। हाँ, अभी दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये सारे रेतीले पहाड़ हैं, यहाँ पर बेसिकली रेतीले पहाड़ हैं ना सब। ये रेतीले पहाड़ में कच्चे पहाड़ हैं? कच्चे नहीं, चट्टान है ये। अच्छा, ये इधर व्हाइट वाले भी और ब्लैक वाले भी हैं, दोनों तरह के होते हैं। अच्छा, ओके। सो जो वो वाली जगह है मैग्नेटिक हिल, उधर वो बोलते हैं गाड़ी अपने आप आगे पीछे होता है, पीछे की तरफ खींच सकता है। आगे की तरफ खींच सकता है, अपने आप खींच सकता है। अच्छा, सामने वाले पहाड़ी में है ना उसका मैग्नेट। अच्छा, पहाड़ी में मैग्नेट है। अच्छा, सो गाइस, इस लोकेशन के बाद, हॉल ऑफ फेम देखने के बाद हम जाएंगे मैग्नेटिक हिल, वहां पर आपको दिखाएंगे। जैसे कि भैया बता रहे हैं, वहां पर गाड़ी अपने आप पहाड़ की तरफ खींचती चली जाती है अगर आपने न्यूट्रल गियर में डाल दी ना और छोड़ दी वहाँ पे गाड़ी रोड पे। सो वो ऑटोमेटिकली पहाड़ की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी, आपको दिखाएंगे, आप देखना वीडियो में, मिस मत करना। मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी, जब आप जा रहे हो कहीं पर भी जा रहे हो तो रास्ते में आप ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करो और कुछ खाने का स्नैक्स अपने साथ में जरूर रखना, क्योंकि रास्ते में कुछ खाने का मिले या ना मिले कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसलिए अपने साथ में कुछ ना कुछ स्नैक्स जरूर रखना ताकि आपका रास्ता अच्छे से कटे। पानी जरूर, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पहले यहाँ पर हमारी सांस फूल रही है क्योंकि हम हाई अल्टीट्यूड पे आ गए हैं ना, तो इस वजह से सांस फूल रही है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना क्योंकि यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाती है। देखो, ये देखो, एक तरफ रेतीले पहाड़ हैं, रेतीले नहीं मतलब तो वाइट वाले पहाड़ हैं, और इस तरफ डार्क वाले पहाड़ हैं। यही तो यहाँ की ब्यूटी है यार, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ देखें कि यहाँ देखें समझ नहीं आ रहा।
ये देखो इस तरफ देख रहे हैं तो पूरा डार्क डार्क वाले पहाड़ है, जैसे इस तरफ देख रहे हैं ये सारे व्हाइट वाले हैं। समझ नहीं आता कि लेफ्ट में देखें कि राइट में देखें क्या ज्यादा बेटर व्यू है। दोनों ही मस्त है भाई। भाई ये होलो फेम कितना देर खुला रहता लास्ट? बस 5:30 बजे। 5:30 बंद हो जाएगा? अच्छा अभी देखिए जाने से पहले। अच्छा अच्छा, और बाकी लोकेशन उधर कोई है टाइमिंग? उधर कोई टाइमिंग नहीं है सर, मेरे डे खेल वगैरह उधर कोई टाइमिंग नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बंद हो जाएगा हमारे आने से पहले। अच्छा, सो गाइस होलो फेम का जो टाइमिंग है वो लास्ट 5:30 है। आफ्टर 5:30 जो है टिकट्स अलाउड नहीं है, टिकट्स नहीं देंगे। तो पहले हम होलो फेम देख के जाएंगे। आई थिंक हम पहुंच गए, यही है होलो फेम? हाँ यही है। ओके सो गाइस होलो फेम हम पहुंच गए, अंदर जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे वीडियो वगैरह अलाउड है भैया अंदर? हाँ सो गाइस होलो फेम हम पहुंच गए हैं, अभी जाते हैं टिकट्स लेने। काफ़ी मस्त नज़ारा है यार, मैं आपको पीछे का दिखाता हूँ। ओ भाई साहब वो देख रही पहाड़ यार, मजा ही आ गया यार। यहाँ यहाँ देख यहाँ यहाँ व्हाइट वाले, वो पीछे डार्क वाले हैं। हाँ। मजा आ रहा है भाई, मस्त जन्नत है यार, सच में कह रहे जन्नत है ये। सो गाइस ये डिटेल आप देख सकते हैं होलो फेम में जो भी एंट्री चार्जेस हैं और क्या क्या टाइमिंग है। हमने अभी टिकट्स ले लिया, 700 रुपीज़ टिकट्स है और 20 रुपीज़ आपका मोबाइल चार्जेस है। अगर आप मोबाइल कैरी कर रहे हैं सो 20 रुपीज़ इज मोबाइल आपका, और 700 रुपीज़ जो है आपका एंट्री चार्जेस है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग इनकी कॉस्ट्यूम है। जैसे ईस्ट लद्दाख की कॉस्ट्यूम ये है, यहाँ के लोग इस तरीके का कॉस्ट्यूम पहनते थे, और वॉरियर की कॉस्ट्यूम कुछ ऐसी है, और ये जो है ये वेस्ट लद्दाख के लोगों की कॉस्ट्यूम है। ये पहले ऐसे कॉस्ट्यूम हुआ करती थी, अब तो ऐसा नहीं है पर पहले ऐसी कॉस्ट्यूम हुआ करती थी। हाँ जी, अभी बाय रोड आया? नहीं बाय है। हाँ ये तो बड़ी पुरानी बंदूक है, आगे से गोली डलती थी इसमें? गोली नहीं, बारूद जैसे फिल्म में देखा तो बारूद जो मोटे मोटे जो अच्छा ऐसे प्रेस करते थे उसको। अच्छा अच्छा, सो गाइस ये हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, इनकी सबकी फोटोज कैप्टन विक्रम बत्रा मूवीज तो आपने देखी होगी, ये वाली कैप्टन विक्रम बत्रा जो कारगिल के टाइम पर एक मूवी बनी थी अभी, जिसमें सिद्धार्थ ने कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल किया था। सिद्धार्थ मल्होत्रा, नाम क्या था ये आप देख सकते हो, पूरा मूवी का नाम क्या था यार उसका? शेरशाह मूवी। सो ये हैं वो रियल हीरो जिनके ऊपर वो मूवी बनी थी, शेरशाह मूवी, शेरशाह, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। यस मूवी में ये देखो भाई, गन दिखाता हूँ बढ़िया वाली,
सो गाइस, ये वो हथियार हैं जो 1962 में चाइना के साथ में वॉर हुआ था, उसमें ये हमारे इंडियन सोल्जर्स ने उनके सैनिकों के छीन लिए थे उनको हरा कर। सो गाइस, ये है पाकिस्तानी गन जो कि 1965 के वॉर में कैप्चर की थी हमारी आर्मी ने उनके जवानों से उनको हरा कर। दिस वन इज पाकिस्तानी वेपन्स कैप्चर ड्यूरिंग 1947 ऑपरेशंस। सो 1947 का जब बंटवारा हुआ था उस टाइम पर ये हथियार वहाँ से बरामद किए थे, बरामद नहीं मतलब उनके जो सोल्जर्स थे उनको हरा कर उनसे ले लिए थे। गाइस, यहाँ पे शौर्य स्थल बनाया हुआ है, अभी अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पर आई थिंक जो शहीद हैं उनकी याद में कुछ होगा। नॉट रियल हीरोज, ये वो रियल हीरोज हैं जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया, हमारे देश को प्रोटेक्ट किया, अपनी जान दे दी। सो गाइस, यहाँ से हम अभी निकल चुके हैं। भाई साहब, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया गैलरी बना रखी है जहाँ पर आपको हिस्ट्री जानने के लिए मिलेगी, कैसे कैसे क्या क्या वॉर्स हुए, कौन कौन हमारे वीर चक्र अशोक वीर चक्र विजेता रहे हैं।